एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी। जी दोस्तों, कॉमन सेंस हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों की कॉमन सेंस को चेक करते हैं, उनसे कॉमन सेंस के आसान से सवाल पूछकर। तो आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों की कॉमन सेंस हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कितनी कॉमन सेंस है जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। पर आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देख के आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, और जब आपको नॉलेज मिलेगी तब आप हमें ज़रूर याद करेंगे कि हमने आपको नॉलेज दी है। तो आइए देखिए आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी दोस्तों, ये तो था आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं आपकी नॉलेज इस फैक्ट को देखकर ज़रूर बढ़ी होगी और आप हमें ज़रूर याद करेंगे जब भी इसको ज़िंदगी में आप फैक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम पहला सवाल लोगों से, जो कि है हमारा आज का जो पहला सवाल है वो है कि अगर कार रेस में आप सेकेंड पोजिशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, कार रेस में अगर आप सेकेंड पोजिशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो आपकी पोजिशन क्या होगी। हमें उम्मीद है आपको भी समझ आ चुका होगा जवाब क्या है इसका, अगर आप में कॉमन सेंस होगी तो। आइए चलते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास और देखते हैं कि कितनी कॉमन सेंस है उनमें। नाम बता दे अपना। कुलदीप सिंह। कौन से डिपार्टमेंट से है? मैं डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी। कॉमन सेंस पे है आप में? हाँ समथिंग। कैसे पता चला? हाँ जितनी यूज़ की आज तक तो उतनी तो पता है। कितनी यूज़ की आज तक? अब ये तो नहीं, एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं हमने कि कितनी यूज़ की, बट हाँ कभी कभार अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हैं डे टू डे। अच्छा, किसी ने आपको बताया आज तक की कॉमन सेंस आपने? हाँ बताया होगा, क्योंकि हमने कहीं यूज़ की होगी उनके साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं तो शेयर की होगी, कहीं बताया होगा उनके साथ तो। अच्छा बताइए, कॉमन सेंस है आप में? ये है। कैसे बता? कॉमन सेंस इसको बताने में क्या है, कॉमन सेंस है वो तो होता ना, मतलब कभी किसी ने बताया हो कि आप में कॉमन सेंस है या खुद बताओ? हाँ तो किसी ने नहीं है, तब भी बता आपको कि है। हाँ जी सर, मैंने लखपत दर्जी नाम है मेरा। कौन से डिपार्टमेंट से? हाँ जी, हार्डवेयर डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर हार्डवेयर ओ लेवल। आप में कॉमन सेंस है? आई थिंक सो, बाकी तो बाद में पता चलेगा। किसी ने बताया आज तक कि कॉमन सेंस है आप में? ना नहीं बताया। सरबजीत सिंह। कौन से डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस। अच्छा बताइए, कॉमन सेंस है आप में? लगता तो है। कॉमन सेंस मेरे को बताइए कि खुद अपनी मर्जी से बंदा ला सकता है या पहले की होती है? सर ये तो टाइम के साथ आती है। आप में आ चुकी है? नहीं अभी तक उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। जी नाम बता दें। ईशा वर्मा। कौन से डिपार्टमेंट से? हिंदी डिपार्टमेंट से। अच्छा, लड़कियों में ज़्यादा कॉमन सेंस होता है या लड़कों में? लड़कियों में। कैसे बता? मैं लड़की हूँ ना, मुझे पता है मेरे में बहुत है। पर कहते हैं कि लड़कियों में कम होता है। आपको पता है ना, लेकिन मुझे पता। अगर मैं साबित कर दूं आप में कम कॉमन सेंस है फिर तो ठीक है, फिर आप जीते। अच्छा आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं कॉमन सेंस का। जी सर। अच्छा बताइए, अगर आप कार रेस में ड्राइव कर रहे हो, सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हो, क्या पोजीशन होगी रेस में? हो सकता है सेकंड लास्ट हो, थर्ड लास्ट हो। वो कैसे हो सकता है? सेकंड गाड़ी वो हो सकता है लास्ट से सेकंड हो, फर्स्ट से सेकंड है। हो सकता है फर्स्ट हो, इट मे बी फर्स्ट। मे बी नहीं ना, पक्का बताइए। इट विल बी फर्स्ट। इफ यू आर ड्राइविंग इन अ कार रेस एंड यू ओवरटेक अ कार ऑफ सेकंड पोजीशन, व्हाट विल बी योर पोजीशन? फर्स्ट। जी नाम बता रहे हैं। इश्तियाक अहमद। कौन से डिपार्टमेंट से? पॉलिटिकल साइंस। कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आजकल? कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आजकल? ये सवाल नहीं है मेरा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ आप ऐसे पूछ रहे। 50% 50% कॉमन है। 50% कॉमन। आप इस्तेमाल करते हो कॉमन सेंस? पोस्ट करते हैं। कितनी बार दिन में? 10-15 बार, जब कभी टाइम मिला तभी करते हैं। अच्छा बताइए, अगर आप कार रेस में ड्राइव कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, आपकी पोजीशन क्या होगी? मतलब कि अगर ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सेकंड कार वहाँ से मेरे से पास हो रही है क्या समथिंग? कार रेस में सेकंड पोजीशन की गाड़ी को आप ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी रेस में? मेरी तो मतलब उससे फास्ट स्पीड होगी, अगर तभी तो उसका ओवरटेक कर रहा हूँ। सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। लगाइए थोड़ा दिमाग लगाइए। सेकंड को ओवरटेक कर रहे हैं? बिल्कुल सेकंड को ओवरटेक कर रहे हैं। ड्राइव करते हो आप? हाँ ड्राइव करते हैं। थोड़ा इमेजिन करो ना कि कैसे अगर सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो क्या पोजीशन होगी?
थर्ड कहाँ से आ गई, ये कौन सी साइड से गई? आउट ही कर रहे हैं ना, अभी आउट ही किया नहीं है ना, कर चुके हो ओवरटेक सेकंड को, तो क्या पोजीशन होगी? सेकंड को आउट ही कर चुके हैं तो फर्स्ट। जी नाम बता दे अपना। प्रशांत। कौन से डिपार्टमेंट से? लॉ स्कूल। कॉमन सेंस है आप में? मे बी क्या मतलब, पता नहीं है आपको? हाँ है। किसने बताया? बताया किसने नहीं है, आप ही कह रहे हो। फिर कैसे पता चला आपको? सब लॉयर हैं, उनको पता होता है। लॉयर हो तो मतलब कॉमन सेंस हो गया आपने। हाँ अभी नहीं कॉमन सेंस है। कभी मेजर नहीं किया, क्वांटिटी नहीं इसकी। इस्तेमाल करते हो कॉमन सेंस की? कभी जरूरत नहीं पड़ी इतनी। अच्छा जरूरत ही नहीं पड़ी आपको कॉमन सेंस। जी नाम बताया अपना। सुरभि। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? हाँ बिल्कुल। किसने बताया? खुद से गट फीलिंग है कि है। किसी ने बताया नहीं आज तक? नहीं किसी ने बताया नहीं। यूज करते हो कॉमन सेंस? हाँ बिल्कुल। कितनी? बहुत ज़्यादा। दिन में कितनी बार? कॉमन सेंस तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि दिन में कितनी बार सिचुएशन वैसी आती है यूज करने के लिए। होता क्या है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस मींस डेफिनेशन ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मींस कॉमन सेंस मतलब कि रीजन और लॉजिक बिहाइंड अ सिंपल थिंग्स, अ सिंपल रीजन बिहाइंड अ सिंपल थिंग। मान ले कि आप में कॉमन सेंस है। हाँ। अच्छा लड़कियों में ज्यादा होता है या लड़कों में? लड़कियों में। पक्का ना? पक्का। अच्छा एक सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे कॉमन सेंस का। ओके। अच्छा बताइए अगर कार रेस में आप ड्राइव कर रहे हो, सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी? सेकंड। किसने बताया? मैंने बताया क्योंकि मैं ही हूँ सिर्फ उसमें कार रेस में। तो सिर्फ क्यों, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी ड्राइव कर रहे हैं? नहीं यू सेड ना कि यू आर इन द, अच्छा रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो फर्स्ट पोजीशन होगी। पक्का ना? हाँ पक्का। मतलब आप साबित कर रहे हो कि लड़कियों में कॉमन सेंस होती है? यस। पक्का मान जाए आपकी बात? रिपीट द क्वेश्चन। इतनी बार थोड़े ना रिपीट। तो क्या वो कॉमन सेंस भी तो बतानी ना फिर। एक लास्ट बार रिपीट द क्वेश्चन। कार रेस में अगर आप सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी कार रेस में? हाँ सेकंड पोजीशन को ओवरटेक करती हूँ। अच्छा मेरी पोजीशन ओवरटेक करने के पहले क्या थी या बाद में क्या थी? पहले तो हमने पूछे नहीं, बाद में पूछ रहे हैं कि तो क्या फर्स्ट होगी, बाद में पहले थर्ड होगी, सेकंड को ओवरटेक करने के बाद फर्स्ट हो जाएगी। मान जाए ना आपकी बात, दोबारा तो नहीं पूछोगे क्वेश्चन? नहीं पूछूंगी। ये तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन होगी, इनकी बात करते कुछ और लोगों से। फर्स्ट तो होगी, पोजीशन क्या होगी कार रेस में आपकी? पोजीशन मींस तो कौन सी पोजीशन पे हो गए? फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए, क्या पोजीशन हो गई? सेकंड पोजीशन में, तभी तो ओवरटेक कर रहा हूँ उसको। आप ओवरटेक कर चुके हो उसको, क्या पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन है मेरी। अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। दो राय नहीं है जब उसको कार को मैं जो फर्स्ट पे, अब ये तो कोई पता नहीं अब फर्स्ट कौन सी बात कर रहे होगी, मतलब जो फर्स्ट को कर रहा हूँ या लास्ट वाली को? मैं बोल रहा हूँ सेकंड पोजीशन को आप ओवरटेक कर रहे हो। सेकंड पोजीशन वाले को ओवरटेक कर रहा हूँ तो मैं जब उसका ओवरटेक कर लेता हूँ तो मेरी फर्स्ट पोजीशन पर बनती है। बन गई? लॉक कर दे। लॉक कर दे। फर्स्ट आ गए हो, जीतना चाहते हो रेस? जी बिल्कुल। पक्का फर्स्ट होगी ना? लॉक कर दे हम। ठीक है ठीक है, अगर गलत निकला तो? गलत निकला तो क्या बोल सकते हैं जी? ये तो बोल रहे हैं फर्स्ट पोजीशन होगी इनकी। आइए बात करते कुछ और लोगों से। जी नाम बता दे अपना। शिखा शर्मा। कौन से डिपार्टमेंट से है? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। कॉमन सेंस है आप में? मुझे लगता है। लगता है या किसी ने बताया? नहीं है मेरे में कॉमन सेंस। आप कैसे बता आपको कॉमन सेंस हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि जब पब्लिकली कैसे बिहेव करना हमें, दैट इज सम वर्ड आई। अंकुश। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी पढ़ने। अच्छा बताइए कि आप में कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस तो चेक करके पता चलेगा। आपने कभी चेक की? मैंने, आप करेंगे तो पता चल जाएगा। आपने खुद कभी चेक नहीं की? मैंने खुद कभी चेक नहीं की। अच्छा आपसे एक सवाल पूछने वाला मैं कॉमन सेंस का। बताइए अगर आपकी कार रेस में ड्राइव कर रहे हो, सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी? सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ तो मेरी थर्ड पोजीशन होगी। उस टाइम जब ओवरटेक कर रहा हूँ तो सेकंड होगी, ओवरटेक कर जाऊँगा तो फर्स्ट होगी, ओवरटेक करने से पहले थर्ड होगी। ओवरटेक अगर आप सेकंड पोजीशन को कर चुके हो तो क्या पोजीशन होगी? सेकंड होगी। ये भी पीछे से आपको बताया, उससे सुन के बोला आपने? नहीं नहीं, वो भाई है मेरा, हमारी विचार मिलते हैं काफी। आपको मतलब खुद क्या लग रहा था क्या होगी? सेकंड ही होगी। अब सेकंड फर्स्ट तो आ गई है ना, सेकंड को ओवरटेक करूंगा तो बीच में आ जाऊंगा। पक्का? इफ आई, अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हैं और आप सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक कर देते हैं, आपकी पोजीशन क्या होगी? सेकंड टेक के सेकंड पोजीशन के सेकंड, ऑब्वियस सी बात है सेकंड। अभी आप फर्स्ट बोल रहे थे। नो नो सेकंड, ऑब्वियस सी बात है सेकंड होगा। लेकिन फर्स्ट माने या सेकंड माने? सेकंड 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 इज गॉट। लॉक कर दे। फर्स्ट पोजीशन होगी पक्का?
नहीं सेकंड कार को अगर ओवरटेक कर रहा हूँ तो मेरी सेकंड ही होगी। अभी आप बोल रहे फर्स्ट है? नहीं नहीं अभी सेकंड होगी ना, कॉमन सेंस अभी जनरेट हुआ ना अंदर से। तो सेकंड कार को अगर ओवरटेक कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन अभी भी सेकंड ही रही, क्योंकि मेरे आगे एक और कार और अभी अभी उसको ओवरटेक करना है मैंने। कब करोगे ओवरटेक? बस एक साल लगेगा, एक साल में करने वाले हैं बस। चलिए ठीक है, इन्होंने तो बता दिया कि कॉमन सेंस है। सेकंड पोजीशन की सेकंड पोजीशन होगी मेरी। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में होगा, मैंने सेकंड पोजीशन को की गाड़ी को ओवरटेक किया क्योंकि मैं थर्ड पोजीशन में थी, तो मैं सेकंड में होंगी। पक्का ना? पक्का। थर्ड पोजीशन तो नहीं होगी? नहीं नहीं, सेकंड पोजीशन को मैंने ओवरटेक किया। यस सेकंड ही होगी मेरी। अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हो और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को आप ओवरटेक करते हो, कौन सी पोजीशन होगी आपकी? सेकंड। कैसे पता? सेकंड वाले को ओवरटेक करेंगे तो हमारी सेकंड हो जाएगी ना। फर्स्ट नहीं हो सकती ना, क्योंकि फर्स्ट वाली तो सेकंड वाली को कर रही हूँ ना मैं, फर्स्ट में तो चल रही होगी आगे। एक और पक्का? मतलब कॉमन सेंस है आप में साबित कर रहे हो। चलिए इन्होंने तो साबित कर दिया कि लड़कियों में कॉमन सेंस होती है। ये बात करते हुए सब लोगों से, अच्छा बताइए अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हो और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी कार रेस में? सेकंड पोजीशन की कार को ओवरटेक करते हैं, सेकंड पोजीशन की मेरी सेकंड होगी। कैसे पता? जो सेकंड पोजीशन पे होगी ना, तो पहले फर्स्ट सेकंड, मैं सेकंड को ओवरटेक करूंगा तो फिर सेकंड पे ही पहुंचूंगा क्योंकि मैं उसके आगे पहुंचूंगा। थर्ड नहीं हो सकती? थर्ड कैसे हो सकती, मैं ओवरटेक करके उसके आगे जा रहा हूं तो सेकंड ही हो सकती है। मतलब सेकंड पे रहना है या कार रेस जीतनी है? हमने कार रेस अगर जीतनी है तो फर्स्ट को भी ओवरटेक करके आ जाऊंगा। निशा शर्मा। कौन सी डिपार्टमेंट से आप? पॉलिटिकल साइंस। आपसे मैं एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछने वाला हूं। हां जी बोलिए। अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को आप ओवरटेक करते हैं, आपकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट सेकंड। कैसे पता आपको? सेकंड को अगर ओवरटेक करेंगे तो सेकंड ही होगी ना, मैं थर्ड में थी। अच्छा फर्स्ट नहीं हो सकती? अगर आपने बोला सेकंड को ओवरटेक करोगे तो मेरी पोजीशन तब सेकंड होगी ना। फर्स्ट वाली को मैंने ओवरटेक नहीं किया, सेकंड को किया तो मेरी सेकंड होगी। ये आपको खुद पता था या दिमाग लगाया आपने या कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है। अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हो, कार रेस देखिए, उसमें ड्राइव कर रहे हो, सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी? मींस की सेकंड पोजीशन गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, सेकंड होगी। कैसे पता? कैसे पता? फर्स्ट वाला मैं थर्ड भी होऊंगा ओब्वियसली, जब मैं सेकंड को ओवरटेक करूंगा आगे फर्स्ट ही होगी, मैं सेकंड भी होऊंगा। फर्स्ट नहीं बनोगे? सेकंड बनूंगा। पक्का? पक्का। थर्ड सेकंड वाला हो जाएगा। अच्छा बताइए अगर हम एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, क्या पोजीशन होगी हमारी रेस में? सेकंड। पोजीशन पे जो गाड़ी चल रही है कार रेस में उसको हम ओवरटेक करते हैं, आपकी क्या पोजीशन होगी कार रेस में? फर्स्ट। पक्का? हाँ। मान जाते हो ना बात? मान जाए आपकी बात, एक रिपीट करोगे? अगर एक कार रेस में आप ड्राइव कर रहे हो, सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो, क्या पोजीशन होगी आपकी? सेकंड। कैसे पता? ओवरटेक करेंगे तो उसकी पोजीशन लेंगे ना हम। आप बोल रहे हैं कि सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड नहीं हो सकती? नहीं। क्यों? सेकंड को ओवरटेक करेंगे ना तो ऑब्वियसली हम लोग थर्ड पे होंगे। जी दोस्तों, हमारे कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि अगर आप एक कार रेस में ड्राइव कर रहे हो और सेकंड पोजीशन की गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो आपकी कार रेस में पोजीशन क्या होगी। जिसका जवाब है कि आप सेकंड पोजीशन पे ही रहेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन की गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं, फर्स्ट को नहीं कर रहे। इसलिए लोग हमारे जो सवाल सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उनके जवाब तो गलत ही होंगे, पर जो सुनते समझते और कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं उनके जवाब सही भी निकले। अब चलते हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ, जहां पर हम एक और आसान सा सवाल पूछेंगे कि अगर एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है, जी हाँ सुने ध्यान से आप, अगर एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है तो उसके दांतों का रंग क्या होगा। तो आइए चलते हैं लोगों से और जानते हैं कि कितनी कॉमन सेंस है उनमें। नाम बता दे अपना। मेरा नाम अमित कोतवाल। कौन से डिपार्टमेंट से? जी सेम एक हार्डवेयर डिपार्टमेंट। अच्छा कॉमन सेंस लड़कियों में ज़्यादा होती है या लड़कों में? जी वो तो डिपेंड करता है कि कॉमन सेंस तो हर किसी में होती है, ठीक है, मैटर नहीं करता कि लड़की में ज़्यादा है लड़के में ज़्यादा है। आप में है? आई थिंक so, हाँ शायद थोड़ी बहुत है। थोड़ी है बहुत, ये तो बाद में पता चलेगा जब आपका क्वेश्चन में सही बोलूँ। चलो आपसे मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। अच्छा बताइए अगर
अफ्रीका में रहने वाला बच्चा, एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है, अफ्रीका में पता है आपको लोग कितने काले होते हैं, पता है? एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? दांतों का तो हमेशा वाइट ही होता है। सर एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस का जी, बताइए अगर एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है, अफ्रीका कितने काले लोग होते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में बच्चा पैदा होता है तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? तो वाइट ही होगा। अफ्रीका में काले लोग होते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, तो दांत का कलर तो वाइट ही रहेगा ना यार, दांत भी ब्लैक होते हैं। कॉमन सेंस है आप में? यस ऑफ कोर्स। कैसे पता चला आपको? इट्स एवरीबॉडी हैज कॉमन सेंस, पर सबके पास होती है, बट यूज कोई कोई करता है। आई यूज एवरीडे। एवरीडे कहां कहां पे यूज करते हैं आप? खेलने में, दौड़ने में, बात करने में, मतलब आप में कॉमन सेंस है। एग्जैक्टली। तो सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे। एग्जैक्टली। अच्छा बताइए एक बच्चा अगर अफ्रीका में पैदा होता है तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? अफ्रीका में आपको पता कितने काले लोग होते हैं? दांतों का कलर वैसे वाइट ही होगा। आई थिंक प्लेस हैज नथिंग टू डू विद द कलर ऑफ टीथ। अब अफ्रीका में आपको पता काले लोग होते हैं, काले भी हो सकते हैं उसके दांत। नहीं एक्चुअली दांतों के लिए कोई रंग काला नहीं, इट इज बेसिकली वाइट। वाइट इज ब्लू कलर। अफ्रीका में पैदा होता है उसके दांतों का कलर वाइट ही होगा। कैसे बता आपको? अरे पता, वाइट दांतों का कलर तो वाइट ही होगा ना। ज़्यादातर काले लोगों के दांत येलो भी होते हैं, ये भी सोच लीजिए। अरे दांतों का कलर, अब यू मीन टीथ? या टीथ कलर तो अब मैं, वो तो अब जीन्स के उस पर डिपेंड करेगा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके मदर फादर के ऊपर डिपेंड करेगा। जी जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करने पे हमें काफ़ी टेढ़े मेढ़े जवाब सुनने को मिल रहे हैं। कॉमन सेंस बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिमाग लगा नहीं रहे और जवाब दे रहे हैं, इसी वजह से उनके जवाब गलत भी निकल रहे हैं। कुछ और बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आई बात। एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता है, अफ्रीका में आपको पता कितने काले लोग होते हैं? उसके दांतों का कलर क्या होगा? सर दांतों का कलर तो वाइट ही होगा। सर कैसे पता चला? सर दांतों का कलर बिकॉज हमारे एक बायोलॉजिकल रीज़न है सर इसके पीछे, बिकॉज वहाँ पे अफ्रीका में काफ़ी गर्मी पड़ती है, बिकॉज अफ्रीका जो है वो इक्वेटर के साथ है, इक्वेटर में लाई करता है, तो ये हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, ठीक है सर, तो ये पिगमेंट मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन का टेक्सचर के लिए, बिकॉज ऑफ दी वो लोग जो इक्वेटर के पास रहते हैं इसलिए उनमें वो पिगमेंट ज़्यादा बनता है, तो उनका जो कलर है वाइट। कैसे पता? हर एक का नॉर्मल है, हर एक इंसान का वाइट ही होता है। पक्का ना? हाँ। अब अगर काला बंदा है, काले के काले भी हो सकते हैं ना? किसी के काले थोड़ी होते हैं। कभी हमने ब्लैक नहीं देखे किसी के दांत? नहीं। येलो भी हो सकते हैं? वो तो बंदा अपने दांत खुद खराब करे तो वो अलग बात है। अच्छा जब वो खुद अपने दांत खराब करेगा तब येलो होंगे, नहीं तो वाइट होंगे। हाँ। पक्का ना? हाँ। मान जाए आपकी बात? मान लो। मतलब आप साबित कर रहे हो कि लड़कियों में कॉमन सेंस होता है? बिल्कुल होता है। थैंक यू। एक बच्चा अफ्रीका में पैदा हो रहा है काले लोगों के बीच में, दांतों का कलर क्या होगा उसके? वाइट होगा। पता चला? दांत जब कोई भी पैदा होता है, हर किसी के दांत वाइट ही होते हैं, अभी भी वाइट ही होते हैं। आपके जब आप पैदा हुए थे आपके दांत वाइट थे? हाँ जी बिल्कुल वाइट थे। समझे आपकी बात? हाँ। वाइट ही होगा वो सिर्फ। कैसे पता आपको? वाइट ही होगा। ये थोड़ी किसकी शक्ल ब्लैक होगी तो उसके दांत भी ब्लैक ही होंगे, वाइट ही होंगे। काले दांत देखे हमने कभी? नहीं। किसी के भी नहीं देखे? नहीं। अच्छा कहते हैं काले लोगों के येलो दांत होते हैं, आपने देखे होंगे? मैंने तो नहीं देखे। मतलब उसके वाइट ही होंगे? वाइट भी हो सकते हैं। वाइट। पक्का? हाँ। कुछ और नहीं हो सकता? ब्लैक भी हो सकता है? नहीं। बड़े काले लोग होते हैं वहाँ पे तो ब्लैक नहीं हो सकता? तो दांतों का कलर का कोई रिलेशन नहीं है स्किन कलर से। पक्का ना? पक्का, डैम श्योर। येलो भी हो सकता है? वो उनके उन पे डिपेंड करता है कि वो ब्रश ना करे तो येलो हो जाएगा, बाकी तो वाइट ही होता है, नेचुरली गिफ्टेड होता है ये वाइट कलर, दांतों का ही होता है, स्किन कलर अलग होता है, दांतों के कलर से स्किन कलर का कोई रिलेशन नहीं है। वाइट। कैसे पता? सबके वाइट ही होता है। आप सोचो ना कितने काले लोग होते हैं, ब्लैक भी हो सकता है उसके दांतों का कलर। नहीं ब्लैक तो नहीं होगा, दांतों का कलर तो वाइट ही होगा। ब्लैक दांत देखे कभी आपने? ब्लैक हाँ देखे, पर वो इंडिया वालों के भी होते हैं और अमेरिका वालों के भी होते हैं। अगर अमेरिका नहीं अफ्रीका में, अफ्रीका में कितने काले लोग होते हैं? अफ्रीका के भी वाइट ही होंगे। काले लोगों का कहते हैं कि काफी येलो दांत का सवाल पूछा है मेरे से, तो वाइट जो है वाइट जो है वो हमारी बोन है बेसिकली, तो डेंटाइन पिगमेंट जो डेंटाइन हुआ वो हमारी बेसिकली बोन है जो जिसके, और इसमें वाइट कलर का जो है कैल्शियम है हमारे दांतों में, जो कलर को वाइट, जो हमारे दांतों को वाइट कलर देता है। आपने अगर इतनी साइंस लगाई दी है, ये भी बता दीजिए कि येलो कैसे होते हैं फिर दांत? सर येलो बिकॉज ऑफ जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है सर, हमारी ईटिंग हैबिट्स है हमारी, अगर हम ईटिंग हैबिट्स जो हमारी
जो हम खा रहे हैं, जो खान पीना है हमारा, अगर वो हमारा बैलेंस नहीं होगा सर, तो उसमें डेफिनेटली जो प्लाग्स आ जाएगा, ठीक है, तो परत जमा हो जाएगी दांतों में, तो ये समय के साथ सर हो जाता है। अगर आप दांतों को अच्छे से अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो जो डेट विल बी वाइट होगा। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये नेचुरल है, हर बंदे के दांत वाइट होते हैं बाय बर्थ, तो बाद में फिर डिपेंड करता है। क्या देख, ब्लैक जो लोग होते हैं उनके ब्लैक दांत भी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी के आपने देखे आज तक ब्लैक? नहीं, खराब हो जाएंगे तो फिर ब्लैक हो जाएंगे, अदरवाइज वाइट होते हैं। जब तक खराब नहीं होंगे तब तक वाइट ही होंगे। येलो नहीं हो सकते? येलो भी हो सकते हैं, अब वो बंदा ब्रश नहीं करेगा तो ऑफकोर्स येलो हो जाएंगे, दांत वाइट ही रहते हैं। तभी काले लोग दिखते हैं, हम अफ्रीकन्स को पहचानते हैं इस तरह से, जब वो हंसते हैं तो हम अफ्रीकन है यार, कोई अफ्रीकन बंदा है, बस इस तरह से पहचानते हैं। अच्छा, काले लोगों के वाइट ज़्यादा दांत होते हैं क्या? नहीं, हमें लगता है कंपैरेटिवली उनके टेक्सचर से वो ज़्यादा काले होते हैं, तो हमें उनके दांत ज़्यादा वाइट लगते हैं। आप बोलेंगे कि वाइट ही होंगे उसके दांत? हाँ, येलो नहीं हो सकते? अब ब्रश कम करता होगा तो येलो ही होंगे, बट अगर नॉर्मल ब्रश करता होगा तो वाइट। येलो भी हो सकते हैं? वो तो येलो तब अगर जब वो ब्रश नहीं करेंगे। एक्चुअल में तो देखो ना, मेरे दांत इतने वाइट हैं तो चाहे वो अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, दांत तो वाइट ही होंगे। पक्का लॉक कर दें आपके क्वेश्चन? जी बिल्कुल लॉक, मतलब वाइट या कोई और कलर नहीं हो सकता। अफ्रीका में काले लोग होते हैं तो हो सकता है ब्लैक हो उसके दांत का कलर? जी नहीं, जो गोरे लोगों के येलो दांत हो सकते हैं अगर वो ब्रश नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक दैट द कलर ऑफ टीथ इज एनी प्लेस स्पेसिफिक। वो बच्चा ब्रश नहीं करता होगा तो उसके येलो भी हो सकते हैं? एग्जैक्टली, वो बन जाएंगे येलो, वैसे वाइट होंगे। बच्चे के तो वैसे वाइट ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसके पीले हो सकते हैं। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि बच्चे के वाइट दांत होंगे पर जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसके येलो हो सकते हैं, अगर उनको मतलब कुछ खराबी नहीं हुई होगी तो। अच्छा, मतलब अगर उसके ब्लैक या येलो भी हो सकते हैं? काले लोगों के तो ज्यादातर येलो होते हैं दांत। काले लोगों के येलो होते हैं दांत? नहीं, उनके ज्यादा वाइट दिखते हैं। आप कहेंगे कि वाइट होते हैं? पक्का? लॉक कर दें? हाँ, लॉक कर दो। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि वाइट होते हैं, बात करते कुछ और लोगों से। आप क्या मानते हैं, येलो ही होंगे उसके दांत या वाइट होंगे? सर, मैं हैव सीन सम पर्सन, मैंने निकू से बात भी की है, हैव सीन सच पर्सन, उनके ये जरूरी भी नहीं है कि उनके दांत वो येलो ही होंगे, वाइट भी हो सकते, ब्लैक भी हो सकते हैं, इतने काले लोग होते हैं। नहीं सर, ब्लैक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ना आपसे अभी कि हमारा जो दांत है वो कैल्शियम का बना हुआ है, ये बोन है डेंटिस, तो ये हम बोलते हैं कि वाइट ही होंगे। वाइट हो सकते हैं और येलो आपने कहा बिकॉज ऑफ दैट डाइट फैक्टर। जी, ये तो कह रहे हैं वाइट हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, बट डाइट फैक्टर की इसमें रीज़न मान सकते हैं हम। काले दांत देखें कभी आपने? हाँ, सड़े होते हैं किसी के। अच्छा, उसके सड़े भी हो सकते हैं? वो मुझे डिपेंड, वो तो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग वाइट होंगे। मेरे अकॉर्डिंग वाइट नहीं हो सकते, उसके मदर फादर के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अब कहीं पे पढ़ा तो होगा कि कैसे दांत होते हैं बच्चे के जो अफ्रीका में पैदा होता है? बच्चे के दांत कैसे होते हैं? कलर बता रहे हो ना? कलर ही पूछ रहा हूँ। कलर तो ऑब्वियसली वाइट ही होते हैं, तो मैक्सिमम तो वाइट ही होते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि बच्चे के दांत, जो अफ्रीका में बच्चा पैदा हुआ है उसके दांत वाइट होंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। अच्छा बताइए, अगर अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? अफ्रीका में कितने काले लोग होते हैं? मुझे नहीं पता कितने काले लोग होते हैं। ये सोच के बताइए ना कि इतने काले लोगों में, कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत कंट्रीज हैं, अब उसमें कितने लोग हैं मुझे नहीं पता। बताइए ना कलर क्या होगा अगर एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता तो? कोई भी हो सकता है। फिर भी कुछ तो बताओ। वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। ब्राउन देखे किसी के दांत आपने? नहीं, बच्चे के दांत नहीं मैंने देखे हैं, बच्चे की कलर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लैक दांत नहीं हो सकते उसके? नहीं, ब्लैक किसी हो सकते हैं, वाइट होंगे। येलो भी हो सकते हैं? येलो तब नहीं होंगे ना जब अगर ब्रश नहीं करेगा तो येलो होंगे, ऐसे तो वाइट ही होंगे ना। अगर वो ब्रश करेगा तो वाइट ही होंगे, ब्रश नहीं करेगा तो येलो हो जाएंगे। येलो हो जाएंगे। चलो, ये तो कह रहे हैं कि अगर वो ब्रश करेगा तो वाइट होंगे, ब्रश नहीं करेगा तो येलो होंगे। आइए बात करते कुछ और लोगों से। बी हो सकते हैं, वाइट ही होंगे। वाइट ही होंगे। पक्का? पक्का। मान जाए आपकी बात? मान जाओ। चलो, ये तो कह रहे हैं कि वाइट होंगे उसके दांत। बात करते हैं कुछ और लोगों से। अगर मैं बोलूं कि उनके दांतों का कलर वाइट नहीं है तो? हाँ, तो आगे क्वेश्चन बोलो ना। क्या हो सकता है, क्या कलर हो सकता है? ऑफ वाइट हो जाएगा। पर कोई ना कोई कलर होगा। हाँ, होएगा। दांत तो कोई ना कोई कलर होगा। कलर नहीं, मैं दांत पूछ रहा हूँ, दांतों का कलर क्या होगा? दांत के कलर, दांत का कलर भी कुछ भी हो सकता है।
क्या क्या हो सकता है? जनरली व्हाइट ही होता है भाई। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि उसके दांत ब्लैक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं तो? येलो, हाँ हो सकते हैं येलो। आप कैसे, येलो कैसे हो सकते हैं? मे भी कैसे हो सकते हैं, मतलब ब्रश नहीं करता होगा वो? बच्चा पैदा हुआ यार, कहाँ ब्रश कराओगे उसको? बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत होंगे? बच्चा पैदा हुआ उसको ब्रश कराओगे? दांत भी नहीं होंगे। ये बात सही है। आपने कैसे बोल दिया दांत वाइट होंगे? दैट वाज फनी, दैट इज माय मिस्टेक। जी दोस्तों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने एक और आसान सा सवाल पूछा था लोगों से कि अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग क्या होगा। तो इसका जवाब है कि अफ्रीका में चाहे पैदा हो बच्चा या इंडिया में पैदा हो, उसके दांत नहीं होते हैं, और दांत ही नहीं होंगे तो रंग कहाँ से आएगा। इसलिए हम चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक आसान सा टंग ट्विस्टर पूछने वाले हैं, बेड बग्स बाइट बिटर। जी हाँ, लोगों से पूछेंगे हम बेड बग्स बाइट बिटर, बोलने के लिए बोलेंगे उन्हें तेज तेज 5 बार, तो देखते हैं कितने लोग बोल पाते हैं इसको। आपसे एक टंग ट्विस्टर पूछने वाला हूँ मैं। ओके। टंग ट्विस्टर है कि बेड बग्स बाइट बिटर, तेज तेज बोलना 5 बार। फिर से बोलो। बेड बग्स बाइट बिटर। बेड बग्स बाइट बिटर। एक मिनट, अभी मैं बोल नहीं रही हूँ। बेड बग्स बाइट बिटर 5 बार बोलना है। 5 बार बोलना है, तेज। अच्छा रुको, बेड बग्स बाइट बिटर क्या था? बोलो, बेड बग्स बाइट बिटर। बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर। ये 5-1। थैंक यू। टंग ट्विस्टर है बेड बग्स बाइट बिटर, तेज तेज बोलना 5 बार। बेड बग्स बाइट बिटर, 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 बेड बग्स बाइट बिटर। आप बोले बेड बग्स बाइट बिटर। आराम से कोई बात नहीं, आप दोबारा बोलो। बेड बग्स बाइट बिटर, 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 बेड बग्स बाइट बिटर। फिर से गलत हो गया। बेड बग बाइट बिटर, बेड बग बाइट बिटर, बेड बग बाइट बिटर्स नहीं, बिटर बिटर। बेड बग बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड 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 बग्स, बेड बग्स बेड जो होता है ना सोने वाला बेड, बेड बग्स बाइट बिटर। बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर, बेड बग्स बाइट बिटर। बेड बग्स बाइट बिटर, 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 बेड बग्स बाइट बिटर। चलो इसमें तो जीत गया। ओके, थैंक यू। जी दोस्तों, आज हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों से कॉमन सेंस के सवाल पूछे, पर बच्चे हमारे सवाल जो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, उन्होंने जवाब उनके गलत ही होने लाजमी हैं। उम्मीद करते हैं आपका एंटरटेनमेंट जरूर हुआ होगा आज के हमारे प्रोग्राम से, और आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी शुरू कर दी होगी। आपको हमारा आज का अगर ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमें फेसबुक पर भी बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही सजेशंस दे सकते हैं इस प्रोग्राम के रिलेटेड, लोकेशंस बता सकते हैं, और बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो चाहते हैं आप हम इस प्रोग्राम में पूछें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।